तो डीसीडी रिकॉग्निशन में सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर रवि एन आभा, डॉक्टर आभा गुप्ता जी को। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। टुडे इज आवर डे। इस रॉकी म्यूजिक का कितने बरसों से इंतजार था। मायसेल्फ डॉक्टर रवि गुप्ता, एमडी फिजिशियन, पिछले 31 ईयर से प्रैक्टिस में, दो प्राइवेट हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ, माई बेटर हाफ
एक्साइटेड, व्हाट अ प्राउड मोमेंट फॉर मी. मैं डॉक्टर आभा गुप्ता, आई एम थैंकफुली ब्लेस्ड टू बी इन मेडिकल प्रोफेशन एज अ कंसल्टेंट ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट वर्किंग इन जोधपुर. जब छोटे थे तो डॉक्टर्स का बहुत देखा, वाइट कोट पे बहुत अट्रैक्ट करा, उनकी लाइफस्टाइल देखी, उनकी सक्सेस देखी और एक सपना बुना कि हमको भी डॉक्टर बनना है. मेहनत करी, ग्रेजुएशन करा, फिर मेहनत करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करा और खुश हो गए. लेकिन खुशी से काम नहीं चला, उसके बाद वापस काम में जुट गए एंड एज अ रिज़ल्ट जोधपुर डिवीज़न में सक्सेसफुल आई सर्जन के नाम से जाने लगे. उस बीच हमने बहुत कुछ खोया लेकिन हमें कुछ कभी एहसास ही नहीं हुआ उस चीज़ का, क्योंकि हम मेडिकल लाइफ के अलावा कुछ सोचते नहीं थे. एक बार नेटवर्क मार्केटिंग देखने का मौका मिला लेकिन ना कर दिया, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और डॉक्टर कपिल की ईगो थी बहुत बड़ी. और लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था, वो हमें बहुत प्यार करता था. एक बार फिर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया हमारा और हमने खुले दिमाग से उसको जब देखा तो उसको कुछ करने का निर्णय लिया. उसको जानने के लिए हम FRU सूरत गए, वहाँ पे वापस एक बार सक्सेस देखी, अपील करी, उसके बारे में स्टडी करा एंड आज आपके सामने खड़े हैं. इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है. आप वो कुछ कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, और आप वो सोच सकते हो जो किसी ने आज तक नहीं सोचा है. सोचने की हिम्मत तो करो. जीत और हार तो सिर्फ हमारे मन का है. अगर मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है. एक बार बिल गेट्स को सब लोग जानते हैं. एक छोटी बच्ची ने बिल गेट्स से पूछा, सर आपकी सक्सेस का राज क्या है? उन्होंने ब्लैंक चेक बच्ची के हाथ में दिया. उसके बाद बच्ची ने चेक लौटाकर वापस उनसे पूछा, सर आपकी सक्सेस का राज क्या है? ब्लैंक चेक वापस मिला, वो वापस लौटाया गया और जोर देकर पूछा गया, सर मैं आपकी सक्सेस का राज पूछ रही हूँ. बिल गेट्स ने क्या कहा कि ये तीन बार आया था, क्या था ये अपॉर्चुनिटी थी, आपने समझा नहीं इसको. वेस्टीज ने हमको ब्लैंक चेक के रूप में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है. हर महीने हमारी जितनी इच्छा हो, जितना हम भर सकते हैं, काम तो हमको करना पड़ेगा. भगवान ने हम सबको हीरा बनाया है, हम अपने आप को जितना घिसेंगे उतना हम चमकेंगे. रास्ता कितना भी पथरीला क्यों नहीं हो, एक अच्छा जूता पहन करके हर कंकड़ को आराम से पार करा जा सकता है. लेकिन अगर जूते में ही एक कितना भी अच्छा जूता क्यों नहीं हो, उसमें एक छोटा सा भी कंकड़ आ गया है तो क्या हम लोग चल सकते हैं थोड़ी दूर भी? नहीं. विनिंग टीम हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है. मैं थैंक्स दूंगी SP भारेल भैया एंड फैमिली को, जो हमको हर दिन हर पल एजुकेशन देते हैं, हमारी चिंता करते हैं क्या करना है कैसे नहीं करना है. हर बार हमको परेशान करते हैं, कभी कहेंगे टूल्स ख़त्म हो गया, कभी कहेंगे इस लीडर को भेजो, कभी कहेंगे आप आओ. थैंक यू भैया एंड फैमिली. काम करने में भागना पड़ेगा हमको, दौड़ना पड़ेगा हमको. अगर हम दौड़ नहीं सकते तो चलो तो सही, चल नहीं सकते काम तो करना ही पड़ेगा. कभी भी ऐसा नहीं है कि रुकना पड़ेगा, हमने वो करा है और आज हम बहुत खुश हैं. बहुत कुछ अचीव करा है हमने. बहुत सारी चीज़ें हमने कभी सोची नहीं थी कि घूमने भी जाना चाहिए, बच्चों को टाइम देना चाहिए. बस एक माइंडसेट था कि डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस कर ली, पेशेंट आ गए खुश. और मैं तो ऑपरेशन में मुझे बहुत मज़ा आता है, 2 की जगह 4 कर आऊँगी, फ्री में भी कर आऊँगी, कैंप्स भी बहुत करती थी. लेकिन इसकी बेस्ट चीज़ ने हमें बताया, विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम ने बताया कि आपका जन्म सिर्फ पेशेंट्स देखने के लिए नहीं हुआ है. आज हम बहुत खुश हैं. मेरे पास एक मेरा हैप्पी हस्बैंड एंड हैप्पी फैमिली है. ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन और बेहतरीन हो जाती है जब हमारे माध्यम से और लोग खुश होते हैं. फाइनली मैं यही कहूँगी कि अपनी सपनों को अपनी सांसों में रखो, अपनी मंजिल को अपने बाहों में रखो. हर जीत आपकी होगी, अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो. थैंक यू. थैंक यू आभा जी. दोस्तों, डॉक्टर रवि गुप्ता ऐसा नहीं था जैसा आज आप देख रहे हैं. हमारा जो 8x10 का जो चैम्बर होता है ना, वही हमारी लाइफ होती है. 81 में मैंने एडमिशन लिया था मेडिकल प्रोफेशन में, 17 साल की उम्र थी मेरी. 17 से 27 साल समझ लीजिए मेडिकल के अंदर कॉलेज में चला गया. 27-28 साल में आभा जी के साथ में जोड़ा बना. उसके बाद में दोनों इंडस्ट्री शुरू हो गई, इधर फैमिली बनाना है और इधर प्रोफेशन को आगे कंटिन्यू करना है. दोस्तों, ये वो टाइम था, वो 10 साल, 27 से लेके 37 तक. आप मानेंगे नहीं, मुझे
कब डायबिटीज़ हो गई मुझे नहीं पता, आप डॉक्टर से हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, इस प्रोफेशन में इतनी बड़ी सेवा भाव है, लेकिन अगर खाली सेवा होगी तो भी नहीं चलेगा। उसके साथ में बहुत बड़ी मेवा है, क्योंकि मेरे फादर जब थे बचपन से ही उन्होंने एक ही ड्रीम डाल दिया था, बेटा आपको क्लास में नंबर वन रहना है और डॉक्टर बनना है। क्योंकि पुराने ज़माने में ना बड़े को डॉक्टर बनाते थे, पुराने ज़माने, हम ज़माने को पुराने बता रहे हैं, हमारे टाइम में पहले डॉक्टर बड़े को डॉक्टर बनाते थे, छोटे को इंजीनियर। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, जैसे अभी हमारी नहीं है डेली ड्रीम एक्सरसाइज होती है, तो ये ड्रीम एक्सरसाइज से हमारा शुरुआत हुई। और उसके बाद में जैसे ही हमारा भाई साहब से हमारा मिलन हुआ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं जोधपुर में हॉस्पिटल में भैया ने इतनी मीटिंग्स ली हैं हमारी, उस टाइम 37 का जब मैं था, 2000 की बात है, इस इंडस्ट्री में एंट्री ली, और वो टाइम था जब मतलब कहते हैं ना यूँ बंद हाथ से मैंने भैया की पहली मीटिंग जोधपुर में देखी थी। 15 मिनट लगे होंगे जब मेरे हाथ हिल रहे थे, तालियां जोर जोर से, और मैं नाच रहा था। लिटरली डॉक्टर रवि गुप्ता ऐसा था जो चैम्बर में खुश है, क्योंकि रोज़ नोट बना रहे थे और अच्छे खासे बन रहे थे, दो दो हॉस्पिटल चल रहे थे जोधपुर में, और साथ में कमाई वाला बराबर का पार्टनर। तो दोस्तों मैं हॉस्पिटल की मैं ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने भी वहाँ ब्रांडिंग करी, जैसे आज हमारा ब्रांड वैसे ही का वर्ल्ड वाइड ब्रांड होता जा रहा है। हमारा ब्रांड था पथरी मतलब आशा हॉस्पिटल। आप अभी भी जोधपुर में किसी से कॉल करें कि भाई पथरी का कोई हॉस्पिटल लगे तो एक ही नाम मिलेगा, पथरी। जैसे ठंडा मतलब कोका कोला था ना एक टाइम में, एक ऐड आता था ठंडा मतलब कोका कोला, ऐसे ही हमारा था पथरी मतलब आशा हॉस्पिटल। उसको हम जी रहे थे, और अभी कुछ साल पहले तक हमने जिया है। उसके बाद मुझे पता लगा कि अब दोनों काम मैं नहीं कर पाऊंगा, जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूं। अब हमने कहा कि अब आपको डिसाइड करना है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, वेस्ट इज अ विनिंग टीम, और यहाँ पर इतना बड़ा पैसा आप बना रहे हैं, लोग बना रहे हैं, आप भी बना रहे हो, तो डिसाइड करो अब आपको क्या करना है। दोस्तों डिसाइड किया, अब मैं सिर्फ वही पेशेंट देखता हूँ जो मेरे बगैर ट्रीटमेंट कहीं कराते ही नहीं है। ऐसे भी आपने, आपको पता होगा सर, जानते हैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मैं महीने भर का भी टाइम दे दूँ तो वो आएंगे महीने भर बाद कि डॉक्टर साहब हाथ रख दो या मिट्टी भी दे दोगे तो आप ठीक हो जाओगे, हम ठीक हो जाएंगे। तो वो पेशेंट्स मैं देखता हूँ, और जितनी इमरजेंसी से मैंने सब बंद कर दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है अब इमरजेंसी, मैंने पूरी लाइफ 30 साल मैंने इमरजेंसी में निकाल दी, अब मुझे इमरजेंसी में खुद को नहीं जाना है, तो आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ। तो लिटरली दोस्तों 2020 ये वो टाइम था, 2021 भैया ने जो ये बनाया ना स्लोगन, लिटरली 2020 हमारा था, वो कोरोना का टाइम जब मार्च में लॉकडाउन हुआ। दोस्तों एक दिन भी भैया ने हमें वेस्ट नहीं करने दिया, तुरंत हम लोग जूम पे आए, डेली मीटिंग्स हो रही हैं। मतलब आप सोचो उस टाइम में जबकि दुनिया लॉकडाउन में थी, लोग काम नहीं कर पा रहे थे, हम लोग एक्साइटेड थे, एक एक घर पहुँच गए थे। ये परिवार नहीं है दोस्तों, ये संगठन नहीं है, एक संस्कृति है, ये इस संस्कृति को हम जी रहे थे। तो ये सब चीज़ें जब पॉसिबल हुई हमारे साथ में, हमारी इसी लॉकडाउन के दौरान में बहुत सारे क्राउन गए, यूसीडी गए, डीसीडी गए हमारे साथ में, और जब मैंने वो लेवल अचीव किया तो मुझे विश्वास नहीं था कि हो जाएगा, लेकिन गॉड ग्रेस एवरीथिंग वॉज पॉसिबल, थैंक यू गॉड। और मुझे भरोसा है कि ये पिन तो जैसे एक छोटा सा माइलस्टोन है, अभी तो बहुत लंबी यात्रा है, और ये 2021 हमारा है, और ये हमने डिसाइड कर लिया है 2021 में ब्रांड न्यू DUCD और हो सकता है रॉयल DUCD। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।